हेलो, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाएंगे काजू नमक पारा, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए देर ना करते हुए बनाते हैं काजू नमक पारा। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल और इसमें डालेंगे मैदा। तो मैदा हमने 2 कटोरी डाला है इसमें। और इसके बाद जिस कटोरी से हमने मैदा डाला है उसी कटोरी से आधा कटोरी है जो डालेंगे सूजी, और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1 चुटकी बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी बेकिंग सोडा। अब इनको डाल करके इसके बाद इसमें हम डाल देंगे अजवाइन। देखिए, तो इसको हम क्रश करके इसमें डालेंगे। आप लोग अगर ना चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम मिला देंगे, और मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे घी। तो जितना हमने सूजी लिया था उतना ये घी है। अब इसको इसमें हम डाल करके मोयन लगा लेंगे। इनको अच्छे से मिला लेंगे, और इससे जो हमारे नमक पारे होंगे बहुत ही खस्ता बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। तो मैंने अच्छे से देखिए मिला लिया है, अभी बाइंड होने लगा है। देखिए इस तरह से बाइंड होना चाहिए। अब इसको देखिए, मैंने गुनगुना पानी लिया हुआ है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। तो देखिए, हमने पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके इसमें और एक सब तैयार कर लिया है। इस तरह से देखिए, बहुत सख्त नहीं है आटा, और इसको हम ढक करके रख देंगे। तो इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, अब फिर इसको हम बनाएंगे। तो देखिए, अब इसको थोड़ा सा और हम इसमें गूँथ लेते हैं। और इसको अब हम लोइयां बना करके इसको बनाएंगे। एक ही बार हम इसको बेल लेंगे बड़ा सा, इसके बाद इसको कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बड़ा सा बेल लिया है, इतना मोटा होना चाहिए जितना मोटा हमने बनाया है। तो बहुत मोटा भी नहीं है, बहुत पतला भी नहीं, जितना मोटा है उतना ही मोटा होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, इस तरह से कोई ढक्कन आप ले लें और इससे अब कट करना है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से जितनी आप लोग मोटा या पतला कट कर सकते हैं इस तरह से देखिए। और ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसी तरह से हम सभी पारे को कट कर लेंगे। और देखिए, हमने कॉटन कपड़ा है उस पर रखेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने सभी को कट कर लेना है। तो देखिए, हमने सबको कट कर लिया है। अब जो आटा बचा हुआ है तो इस आटे को भी हम बना लेंगे। फिर से लोई बना करके इसको फिर से हम बना लेंगे। तो देखिए, मैं सभी को बना लिया है, अभी तैयार हो गया है। अब इसके बाद चलते हैं तेल गरम करके इसको छानने के लिए, फ्राई करने के लिए। तो एक हम तेल में डाल कर देख लेंगे कि तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है कि नहीं। तो देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, ये जो नमक पारा है ऊपर आ गया है, यानी ये तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है।
अब हम गैस का जो फ्लेम है उसको मीडियम कर देंगे और इसके बाद जो नमक पारे हैं डालेंगे। तो इसको तुरंत नहीं चलाना है, आप तो डाल करके इसको कुछ देर तक रुक जाए, उसके बाद इसको चलाएं। तो देखिए अब इसको चलाएंगे और इसको अब लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि अच्छे से जो नमक पारे हैं सिक जाए। आप लोग इसको होली में ज़रूर बनाएं और इसको आप लोग बना करके स्टोर करके रख सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है और चाय के साथ आप लोग खाएं इसको। तो देखिए हम इसको अभी बर्तन में निकाल लेंगे सभी नमक पारे को और जो बचा है वो भी इसमें हम छान लेंगे। तो देखिए ये भी तैयार हो गया है, अब इसको भी एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब सभी नमक पारे हम एक बर्तन में निकाल करके रख लेंगे। और गैस को अब बंद कर देंगे। अब इसके बाद इसमें चलते हैं थोड़े से मसाले मिलाएंगे जिससे चटपटा हो जाए। तो देखिए अब ये गरम है तो इसी गरम में हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में आधा चम्मच चाट मसाला। नमक हमने इसमें पहले ही डाल दिया था तो अब चाट मसाला और लाल मिर्च इसमें मिला देंगे। अब गरम रहेगा तो अच्छे से इसमें मिल जाएगा। तो लीजिए हमारे काजू नमक पारे एकदम तैयार हैं। तो जो लोग भी वीडियो हमारा देख रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।